हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट आखिर होता क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। तो देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसी। ये एक ऐसा रेट होता है, मतलब जिस रेट पे हम लोग अपनी करेंसी को दूसरे की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिर से ध्यान दीजिए कि हम लोग जिस रेट पे अपनी करेंसी के साथ फॉरेन करेंसीज को, अपनी करेंसी के साथ फॉरेन करेंसीज को जब हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। ये जो होती है किसी करेंसी की प्राइस को डिस्क्राइब करती है, किसी और करेंसी के प्राइस और एक करेंसी के प्राइस, दोनों करेंसी के प्राइस के बीच को डिस्क्राइब करती है। जैसे मान लीजिए कि अभी एक डॉलर जो है वो कितने के बराबर है, 74 रुपीज के बराबर है, बराबर है। तो देखिए ये एक्सचेंज रेट हमको पता चल गया कि 74 रुपीज जब आप लोग देंगे तो हमको कितना मिलेगा, एक डॉलर मिलेगा। तो ये हमारा रेट हुआ। तो फिर आप जो है 148 रुपए देंगे तो आपको दो डॉलर मिलेगा, यही होगा ना, 148 रुपीज देंगे तो आपको दो डॉलर मिलेगा। तो बात आ रही है समझ में, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब यही होता है कि जिस रेट से हमारी फॉरेन करेंसी से जो है जब हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब लोग चलेंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है करेंसी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है और करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है कि इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है फॉरेन करेंसी के मुकाबले गिर जाती है, फिर से ध्यान दीजिए, अगर जब हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है फॉरेन करेंसी के मुकाबले गिर जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर हमारा जो है एक डॉलर का मतलब अगर 74 रुपीज है तो यहाँ पे एक डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 76 रुपीज हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू गिरी। अब ये मत समझ लिया कि प्राइस बढ़ जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं, प्राइस बढ़ने का मतलब यहाँ पे वैल्यू का घटना होता है। जरा देख लीजिए कैसे घटना होता है, पहले हमको 1.74 रुपए में एक डॉलर मिल जाता था, लेकिन अब हमको उसी डॉलर के लिए कितने रुपए गंवाने पड़ेंगे, 76 रुपए, यानी कि हमको 2 रुपए एक्स्ट्रा गंवाने पड़ेंगे उसी डॉलर के लिए, यानी कि उस डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है कि इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के मुकाबले जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। तो देखो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये क्या होता है कि हमारी वैल्यू में, हमारे डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी के मुकाबले हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि फिर से एक डॉलर का मतलब कितना है, 74 रुपीज़, अब एक डॉलर जो है हमको हमारे 70 रुपये में ही मिल जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है। प्राइस से मत देखिए आप लोग, इससे क्या हो रहा है कि पहले हमको 74 रुपये देने पड़ते थे एक डॉलर के लिए, लेकिन अब हमको सिर्फ 70 रुपये देने पड़ेंगे एक डॉलर के लिए। अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो कितने टाइप का होता है, यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यानी कि इसमें जो भी होता है वो फिक्स्ड होता है। जरा देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहला है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ कंट्री करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो भी एक्सचेंज रेट होता है, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो भी एक्सचेंज रेट होता है कि मतलब कि हम अपनी करेंसी को किसी और की करेंसी के साथ कितने रेट से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो जो एक्सचेंज रेट होता है उसको गवर्नमेंट सेट करती है। ठीक है, जो भी एक्सचेंज रेट होता है उसको कौन सेट करता है, उसको गवर्नमेंट सेट करती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो होता है अपना बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल जो है यहाँ पे प्ले करती है। दूसरा है कि द बेसिक पर्पज टू अडॉप्ट दिस सिस्टम इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इन द फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का जो बेसिक एम है कि वो जो है फॉरेन मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी, अपनी करेंसी की स्टेबिलिटी को गवर्नमेंट लानी चाहती है, ताकि जो है उसकी करेंसी की वैल्यू जो है कम ना हो। अगर वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देती है तो अब वो मार्केट इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि उसकी करेंसी की वैल्यू कम होती है कि उसकी करेंसी की वैल्यू घटती है या फिर बढ़ती है।
इसके बाद है टू अचीव द स्टेबिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट द गवर्नमेंट टेक्स टू बाय द फॉरेन करेंसीज व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर एंड सेल द फॉरेन करेंसीज व्हेन द एक्सचेंज रेट गेट्स स्ट्रॉन्गर। ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी फॉरेन करेंसीज का जो रेट होता है वो कम होता है, ठीक है, फॉरेन करेंसीज का जब वो रेट जो कम होता है तब गवर्नमेंट क्या करती है, उसको खरीद के अपने पास रख लेती है। और जब फॉरेन करेंसीज की रेट हाई होती हैं, जब एक्सचेंज रेट हाई होता है, तब क्या करती है, गवर्नमेंट सारी करेंसीज को बेच देती है, ठीक है। इसके बाद है फॉर दिस द गवर्नमेंट कीप्स फॉरेन करेंसीज इज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन रिजर्व। इसके लिए गवर्नमेंट को जो है अपने पास जो करेंसीज रखनी होती हैं वो रिजर्व के फॉर्म में रखनी होती हैं। इसके बाद है व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज पेगिंग। ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस टर्म को याद रखिएगा। ये जो टर्म है ना पैगिंग, पैगिंग किसको बोलते हैं, जब हम अपने करेंसी की वैल्यू को, जब हम किसी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को जो है किसी फॉरेन करेंसी की वैल्यू के साथ बांध देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैगिंग। और दूसरा है पैरिटी वैल्यू। पैरिटी वैल्यू किसको कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए, व्हेन वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड इन द टर्म्स ऑफ अदर करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड देन इट इज कॉल्ड पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। जब किसी करेंसी की वैल्यू जो है वो गोल्ड में या फिर किसी और करेंसी की वैल्यू में फिक्स कर दी जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, ये चारों टर्म अलग अलग है। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो हम अभी बता चुके हैं, रीवैल्यूएशन क्या होता है ये हम अभी बताएंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता था कि फॉरेन करेंसीज की वैल्यू में जब इंक्रीमेंट फॉरेन करेंसी की वजह से जो है हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है फर्क पड़ता था एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन में, और डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन में होगा जो हमारी गवर्नमेंट खुद कम करती है या फिर खुद हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ा देती है। चलिए देखते हैं कि डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन क्या होता है। तो डीवैल्यूएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो होती है इसकी वैल्यू को कम कर देती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसकी वैल्यू को कम क्यों करेगी, जरा सोचो, गवर्नमेंट अपने ही करेंसी की वैल्यू को कम क्यों करेगी, क्योंकि उसको फॉरेन मार्केट में आना है। अगर मेरी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो लोग हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कराएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ $1 में, ठीक है, 70 रुपये का सामान वो लोग ले जा सकते थे। अब अगर हमारे करेंसी की वैल्यू कम होती है, अब हमारे करेंसी की वैल्यू $1 = 75 रुपये हो जाता है, तो अब क्या करेंगे लोग, $1 में वो कितने का सामान इंडिया से ले जा सकेंगे, 75 रुपये का ले जा सकेंगे। तो इससे डीवैल्यूएशन से क्या होता है, गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन क्यों करती है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डीवैल्यूएशन करती है। इसके बाद आता है हमारा करेंसी रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपनी वैल्यू को बढ़ा देना, ठीक है, अपनी वैल्यू को बढ़ा देना, ठीक है। रीवैल्यूएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देती है, इसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, हम लोग उसको जानेंगे। तो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जब डिमांड और सप्लाई जो होती है किसी भी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई की वजह से वहाँ का जब हम लोग एक्सचेंज रेट पता करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके बाद है देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे जो है कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार से इंटरवेंशन नहीं होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करती है। इसके बाद है कि फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद है द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, इट मीन्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ बैंक फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन सीकिंग टू बाई एंड सेल करेंसीज। एक्सचेंज रेट को हम लोग डिटरमाइन करते हैं मार्केट फोर्सेस से, और मार्केट फोर्सेस में कौन कौन से लोग होते हैं, कोई इंडिविजुअल भी शेयर्स करेंसीज को खरीद रहा होता है, कोई एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी करेंसीज को खरीद रही होती है, तो बहुत सारी ऐसी करेंसी जो खरीद रही होती हैं। तो इससे जो है हमारा फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है वो डिटरमाइन होता है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए,
It refers to a system in which foreign exchange rate is determined by the market forces and central bank influences the exchange rate through the intervention in the foreign exchange market. इसमें क्या होता है कि जो foreign exchange rate determine करता है, पहला तो वो market force करता है, उसके साथ साथ central bank भी इसमें घुसाता है कि भैया अगर इसमें ज्यादा जो है घटोतरी और बढ़ोतरी हुई, ज्यादा अगर fluctuation हुआ तो हम यहाँ पे जो है अपना control कर लेंगे, ठीक है. बाकी तो आप काम करिए, मार्केट फोर्सेस जो है अपना काम करें, जैसे फ्लक्चुएशन हो रहा हो, लेकिन अगर उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो वहां पे हम अपना कंट्रोल करेंगे. इसके बाद से कहा गया इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. हाइब्रिड कैसे है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सॉरी बेटा, यहाँ पे ये हाइब्रिड फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का हाइब्रिड कैसे है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फुली की फुली गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में फुली की फुली मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती थी, डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी करती थी. तो देखिए, गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस जब दोनों मिलके काम करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम बोलेंगे. मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम. और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं. यानी कि इन दोनों को लिया गया है, यानी कि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस भी काम कर सकती हैं और हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो भी काम कर सकता है. ठीक है, अभी चलेंगे हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है. इट इज अ सिस्टम, इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरफेयर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट विद इन द सर्टन लिमिट. द एम्स इज टू कीप द एक्सचेंज रेट क्लोज टू द डिजायर्ड टारगेट वैल्यू. इसमें जो होता है सेंट्रल बैंक जो होता है वो इसमें कुछ कार्य करता है, कुछ इंटरफेयर करता है जब फ्लक्चुएशन रेट जो होता है बहुत ज्यादा हाई या फिर बहुत ज्यादा कम होता है. इसके बाद से इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, इसको हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं. तो अभी तक के रहा हमारा इतना टॉपिक, अभी आगे भी कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.